वाह यार, संजना की तरह सही है यार। हाँ बस ऐसे ही ट्रैवल करते रहो, अच्छी अच्छी चीजें देखते रहो, यही तो मजा है लाइफ का। हाँ On the last one, one of my head, elephant rock. Okay. Guys, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये elephant rock है, ये elephant की तरह यहाँ पे। अच्छा आवाज़ ही, with sound, yeah, good, nice. तो guys, चीज़ ये है कि क्या है कि speed boat में आवाज़ इतनी तेज होती है तो वहाँ पे अपन rock कर नहीं पाते हमें ज़्यादा, but cave से निकल के हम लोग यहाँ पे आ गए थे Hong Island में और ये है जेम्स बॉन्ड की रॉक। यहाँ पे शूट हुई थी ना 007 वाली वो मूवी का एक सीन। गाइस ये यहाँ पे वाह। ओके गाइस, तो अब हम लोग ये इस स्मॉल केव के अंदर जाएंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वाह, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, वाह। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं एक छोटी सी केव के अंदर। कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपने मेरे मेघालय वाले ब्लॉग देखे तो जाके देखो यार कि केव्स किस तरीके होती है, क्या होता है केव्स में। वो वहाँ पे हमने लाइमस्टोन केव्स कवर करी थी और यहाँ पे आके हम लोग ये सी केव्स कवर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आई विल शो यू अराउंड, चलो एंजॉय। तो गैस थोड़ा पानी हाई आ गया, इसलिए हम लोग वहाँ पे आगे की तरफ नहीं जा सकते जहाँ से आपको रोशनी दिख रही है ना, बस वहाँ पे हम लोग अभी जा नहीं सकते क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो वो जगह बंद हो गई है। बट स्टिल ये केव है। ओके 2 hours, ओके गाइस, वो रही जेम्स बॉन्ड की रॉक नंबर 2 राइट नाउ। नाउ वेयर आर वी गोइंग? नंबर 2 केव, या लुक साइड केव वांट इन द लास्ट वन। ओके तो गाइस ये वाला केव हमारा हो गया है, अब हम लोग उधर आगे की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया यार, मतलब जो मजा है ये वाला, एक्चुअली हमारे प्लान में था नहीं इस जगह पे आना, हम लोग जो कल वाला था वहाँ पे एंड था और आज का दिन हमने फ्री रख रखा था लेजर के लिए, बट मैंने सोचा कि यार चले जाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके भाई। बस 2-3 इंडियंस हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है और एक्सक्लूडिंग अस। तो गाइस अब यहाँ पे आए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, बस देखते जाओ, मतलब देखते ही जाओ, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। तो गाइस ये हार्ट शेप का अभी व्यू आ रहा है पूरा, ट्रीज की वजह से तो स्काई बिल्कुल हार्ट शेप में दिख रहा है। So, room, so we now, one room anymore.
यहाँ पे हनीमून मनाने की भी जगह है, एक रूम खाली ऊपर, जिसको जाना आ जाना, सही है। तो गैस पानी तो ठंडा है, बढ़िया बढ़िया पानी, इतना सही लग रहा है। What happened you? से निकल के अब हम लोग आ गए हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे, जहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी शूट हुई थी, मूवी का एक सीन शूट हुआ था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाले इस जगह पे जेम्स बॉन्ड मूवी का एक सीन शूट हुआ था। और ये जब ये अर्थ थोड़ी सी नीचे से खिसकी टेक्टोनिक प्लेट, तो तब ये जो इस साइड का ये रॉक है ना, ये इसके ऊपर ऐसे लीन कर गया है। तो ये अर्थ मूव हुई, उस वजह से ऐसा हुआ। तो चलो अभी यहाँ पे है कुछ सुवीनियर शॉप्स वगैरह, कुछ देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो ख़रीदेंगे। तो वैसे यहाँ से कैसे जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक बार पहले मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हैव अ लुक एट द व्यूज़, एंजॉय द व्यूज़। हम थोड़ा इधर अंदर छाया की तरफ जाते हैं। तो गाइस ये है वो जेम्स बॉन्ड रॉक, जिसके आसपास में वो स्पीड बोट चलाता है उस मूवी के अंदर। तो एक यहाँ पे रॉक है, वो थोड़ा सा क्या है कि अर्थ मूव हुई तो उसकी वजह से टिल्ट हो गई थी, और ये लीन कर रही है अब दूसरी रॉक पे। तो वो उसके बिल्कुल नीचे ही हूँ मैं, अगर आप देख सकते हैं। तो ये वाली ये है जो टिल्ट हो गई है इस तरह से, और ये इस पे लीन कर रही है अब। तो सही सीन है। ये सब सी केव्स वगैरह, ये सब मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और सच में देखने में बड़ा मज़ा आता है, नई नई चीज़ें, यही तो पूरा फन है। वाह यार क्या सीन है यहाँ से। तो गैस हम लोग वहाँ थे, वहाँ से अब लोग हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, शांति है, आराम से अपन शूट कर सकते हैं। बढ़िया सीन, एकदम मस्त रैचिक। कोई कोई तो है आगे, मुझे लग रहा है। ओ भाई, ओ यार क्या सही जगह आग मिली है। तो गाइस एकदम सही स्पॉट पर आए अपन, बैठे हुए हैं बढ़िया। अरे यार क्या सही जगह है, यहाँ पे तो रूम लेके रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह ना शूटिंग ख़त्म ही नहीं होगी इतने सब कम टाइम में। मतलब रील्स बनाना, वीडियो बनाना इतने कम टाइम में ख़त्म हो नहीं सकता है, तो पूरा टाइम लेके यहाँ पे आना चाहिए, पूरा एक दिन रुको आराम से मस्त। मतलब सच में जन्नत है गाइस, जन्नत है, बहुत सही। मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब यहाँ पे तो इतनी रील्स बन सकती, इतनी ज़्यादा रील्स वीडियोस बन सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई बनाने वाला नहीं है। संजना को क्या है कि ह्यू को खिलाने पिलाने में टाइम निकल जाता है, और उसका ध्यान रखने में, और मैं अकेला खुद की नहीं बना सकता, मैं ऐसे व्यूज ले सकता हूँ आप लोगों के। सो जेम्स बॉन्ड आइलैंड से निकलने के बाद हम लोग आए हैं एक दूसरे आइलैंड पे। इस आइलैंड का मुझे नाम याद नहीं रहता, देखो थोड़े नाम अजीब से याद नहीं रहता, देख पढ़ के वापस बता दूंगा मैं आपको। बट इसके बारे में बता देता हूँ, ये एक मुस्लिम आइलैंड है पूरी तरह से। यहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज रहती है 250, तो इसको वैसे कहा जाता है कि फ्लोटिंग मुस्लिम आइलैंड। तो ये है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली लंच के लिए रुके हुए हैं। तो न्यू फर्न इसका नाम है रेस्टोरेंट का। तो अभी हमारे पास एक घंटा है लंच करने के लिए, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे एक दूसरे यो या समथिंग लाइक दैट किसी आइलैंड पे। तो चलते हैं अंदर और लंच का मज़ा लेते हैं। सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
गाइस अभी हमारा हो गया है लंच खत्म और अब हम थोड़ा ये जगह को देख लेते हैं। यहाँ पे 250 फैमिलीज कहाँ रहती है, किस तरह से रहती है, इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, रेस्टोरेंट हैव अ लुक। यहाँ पे थोड़े से शॉपिंग वॉपिंग के लिए ये सुविनियर्स वगैरह भी ये सब है यहाँ पे, तो किसी को कुछ शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हो, सुविनियर्स के तौर पे इन सबको ले सकते हैं। और एक छोटा सा कैफे है यहाँ पे, शायद ये रास्ता है बाहर का। तो गैस मेरे ख्याल से ये इस तरह का कुछ है, ये वो रेस्टोरेंट था। अभी हम थोड़ा बाहर की तरफ आए और यहाँ पे कुछ ये लोग बेचते हैं। हाय गैस, जस्ट हैव अ लुक। ऑलरेडी बॉट So guys, ये यहाँ पे बस ये शॉप से और यहीं पे इनके घर वगैरह भी है। ऑलरेडी बॉट, थैंक यू। ये लोग मतलब बिल्कुल खींच लेते हैं आपको कि कुछ ना कुछ लेके जाओ, बट अपन कैसे लें हम ये, मतलब अभी तक तो जो हमें जो बोला गया है वो यही है कि ये पॉल्स नकली है तो आप लोग खरीदना मत। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ये देखो और क्या है, देयर इज वन मॉस्क, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्कूल, फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड, फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड, एटीएम, शॉप, रेस्टोरेंट। व्हाट्स ओवर देयर? यस सर, स्कूल। ओके, फॉर एजुकेशन। तो गाइस दिस इज फ्लोटिंग स्कूल। भाई ये लड़का मुझे सारे रास्ते बता रहा है लेकिन आई एम श्योर ये लास्ट में मुझसे पैसे मांगेगा ये सब जगह बताने के लिए। और अभी हम लोग आए हैं एक स्कूल में जो कि फ्लोटिंग स्कूल पे, हेलो, फ्लोटिंग स्कूल पे आए हैं। एंड अभी एक फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड बताता हूँ आप लोग को, हैव अ लुक। दैट्स अ मॉस्क राइट? तो गाइस ये है फ्लोटिंग मॉस्क। वाह यार ब्यूटीफुल। और ये है एक फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए। तो कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जब आप ट्रैवल करते हो। इट्स सो ब्यूटीफुल आउट हियर, मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है ये। इस फुटबॉल फील्ड से आप लोग ओ दे ओके दैट्स फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड। ऑल राइट तो गाइस वो है फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये भी है और वो भी है, वो मतलब सच में बिल्कुल फ्लोट कर रहा है। दैट्स फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड ओवर देयर एंड आई गेस देयर इज अ जिम ओवर देयर एंड देयर इज अ मॉस्क। ये सब इन सब के घर हैं, इन सब के होम वगैरह हैं। या And this is a school, right? Yes. Yeah. That's the school. So guys, ये था यहाँ का पूरा, ये इस तरह के घर बने हुए हैं और ये बच्चों के खेलने कूदने का और फिर फील्ड वगैरह है। और आगे है मॉस्क का रास्ता, जो मॉस्क अभी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है बट ठीक है, धूप बड़ी तेज़ है यार। जब तक आप छाया में हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर जब आपको धूप सीधी पड़ती है ना तब साल हालत ख़राब हो जाती है।
तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब हम लोग के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है एकदम। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ अभी कि यार ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, मतलब चलो खाना पीने की बात नहीं है, बट आप इसी एक आइलैंड पर फंसे हुए हो, यहीं पर रहते हैं ये 250 फैमिलीज, क्या करूँ, मतलब बहुत छोटा सा एरिया है ये, बहुत छोटा सा आइलैंड है, इसमें आपको लिमिटेड रहना पड़ता है। अगर आपको फुकेट सिटी या आसपास किसी भी सिटी में जाना है तो आपको बोट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अब हमारा जाने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और 255 पे उन्होंने बुलाया था हमको वापस, तो अब हमें वापस जाना चाहिए। 255 का टाइम है ना, तो गाइस थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा। चलो I guess I'm right on time, right?